नमस्कार दोस्तों, IBS की IO के टीयर 2 के एग्जाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी से कमर कस ले। अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है किंतु पढ़ना ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी टफ है। 2000 वैकेंसीज के लिए लगभग 20,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसके टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए हुआ है। यदि आप इस फेज में कुछ डिफरेंट करेंगे तभी क्वालिफाई होने के पूरे चांस है। सबसे बड़ी बात है कि इस टीयर 2 एग्जाम में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पर ही फोकस करना है और इसके बाद सिर्फ इंटरव्यू है, इसलिए मौका न गवाएं। बैंकवेज पूरी तरह से आपके साथ है। यह आप अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर पर ही यह फोकस करवाती है, इसके लिए हॉलिस्टिक तैयारी करवाती है। IB के इस टीयर 2 के लिए अलग अलग कोर्स पैकेजेस अवेलेबल है जो अफोर्डेबल और इफेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऑनलाइन मॉक्स, ऐसे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर हम लोग पूरी तरह से फोकस्ड है, आपकी तैयारी होलिस्टिक तरीके से करवाते हैं। आप एक्चुअल इंटरफेस पर आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हैं। मॉडल एसेज 40 से भी ज़्यादा उपलब्ध है। प्रेसी और RC से रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी काफ़ी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे www.bankquiz.com को जरूर विजिट करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि IBACIO के टीयर 2 में ऐसे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन सेक्शंस हैं जो 50 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के ऐसे और 10-10 मार्क्स के प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ओके दोस्तों, जो भी लिखे अपने आंसर्स में डिफरेंस जरूर क्रिएट करें और तब आप ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स पर नॉलेज गेन करते न रह जाए, नॉलेज के साथ ही साथ अभ्यास जरूर कर ले। किंतु याद रखें कि कैसा आपने लिखा है, आपका आंसर्स कितने मार्क्स लाने लायक है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो बिना एक्सपर्ट्स के गाइडेंस का संभव नहीं है। इवैल्यूएशन हमारे एक्सपर्ट टीम से जरूर करवाएं। दोस्तों, चूंकि समय कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करने है और ऐसी स्थिति में हाईली प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट मिल जाए तो अच्छा होगा, तैयारी आसान हो जाएगी। तो चले इस एग्जाम में पूछे जा सकने वाले अति महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स को लेते हैं। सारे पर लिखने का प्रैक्टिस जरूर कर ले। पहला जो ऐसे टॉपिक है वो है नक्सल अटैक्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। दूसरा है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तीसरा है इज इंडिया सेक्युलर इमेज एट स्टेक, हैंडलिंग फियर ऑफ COVID-19 पैंडमिक, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सोशल सिक्योरिटी एंड देन वैल्यू ऑफ वोट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर कर ले। स्कोप ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तब उसके बाद फिर डिजिटल इंडिया मिशन पर आप कर ले, इसके क्या क्या चैलेंजेस है उस पर आप जरूर कर ले, ऐसे लिख ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी चर्चे में है, उस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं। आप अन्य जो ऐसे के टॉपिक्स है वो इस तरह से ले सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम स्पिरिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अन्य है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन लाइफ, इज मेकिंग इन इंडिया मिशन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, स्किल इंडिया मिशन चैलेंजेस। फिर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड, उसके बाद फिर आप वोकल फॉर लोकल ले सकते हैं, हाउ मच इट इज़ फिजिबल, जो वोकल फॉर लोकल है उसके लिए। फिर इसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट पर आप ऐसे लिखें, वीमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स पर लिखें, फिर आप लिख सकते हैं वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, फिर आप लिखें वाटर क्राइसिस और मेनस पर एक ऐसे ज़रूर लिखें। फिर अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके हो सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, हैंडलिंग फेक न्यूज़, मेकिंग इंडिया इम्पार्शियल, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडिंग इन द कंट्री, इज लॉकडाउन द ओनली मेजर टू कंटेन द COVID-19 वायरस, एंश्योरिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल, और COVID-19 से रिलेटेड आप कुछ ऐसे टॉपिक जरूर कर सकते हैं जैसे कि सुरक्षा ही बचाव है, इस पर भी आपके ऐसे आ सकते हैं। और इस तरह से
ये जो आपको जो टॉपिक्स मिले, ऐसे टॉपिक्स मिले हुए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप इस पर जरूर लिखें। आपको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तब आप हमारे वेबसाइट www.bankwiz.com पर जरूर आए, वहाँ पर आप रजिस्टर करिए फ्री में, और इसके बाद आप हमारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।